बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर हैविंग ग्रेट टाइम एट होम। ओपन योर इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बुक पेज नंबर 177। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव लर्नड अबाउट पेयर ऑफ वर्ड्स। वी लर्नड दैट पेयर ऑफ वर्ड्स आर दोज वर्ड्स विच हैव सिमिलर प्रोनंसिएशन बट दे आर स्पेल्ड डिफरेंटली एंड हैव डिफरेंट मीनिंग्स। Hope you have understood it very well. Let's start our today's lesson. Look at pair number 8, birth, birth. As you see, both of these words have similar pronunciation, birth, birth. B-E-R-T-H, birth means rail mein sone ki jagah. B-I-R-T-H, birth means pedaish. Although both of these words have similar pronunciation, but they have different meanings. B-E-R-T-H, birth के लिए हमारे पास sentence है, I reserved a berth in the Shalimar train. मैंने Shalimar train में एक berth यानी के सोने की जगह मखसूस कराई. Birth, पैदाइश, what is your date of birth? आपकी तरीके पैदाइश क्या है? Pair number 9 है, besides. There is a slight difference in their pronunciation. Beside means के पास, besides mean इसके अलावा. Beside के लिए हमारे पास sentence है, Adnan is sitting beside Asif. Adnan आसिफ के पास बैठा हुआ है. Besides के अलावा, besides writing लिखने के अलावा, I have to learn it by heart. मुझे इसे ज़ुबानी याद करना है. Pair number 10, break. Both of these words also have similar pronunciation, but they have different meanings. B-R-A-K-E, break means break. ये एक ऐसा पुर्जा होता है जो गाड़ी या पहिए को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. While B-R-E-A-K, break means टूटना या तोड़ना. B-R-A-K-E, break वाले word के लिए हमारे पास sentence है, the brakes of the cycle failed on the way. रास्ते पर cycle के brake fail हो गए. B-R-E-A-K, break के लिए हमारे पास sentence है, handle it carefully, इसे एहतियात से थामिए या पकड़िए, otherwise it may break, वरना ये टूट सकता है. Pair number 11 है, cool and cold. Cool means ठंडा एंड कोल्ड मीन्स यख ठंडा. कूल एक खुशगवार ठंडक होती है जो हमारे लिए काबिल बर्दाश्त होती है, जबकि कोल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है. कूल के लिए हमारे पास सेंटेंस है, कूल ब्रीज इज़ ब्लोइंग, ठंडी हवा चल रही है. कोल्ड यख ठंडा के लिए हमारे पास सेंटेंस है, इट इज़ कोल्ड आउटसाइड, बाहर बहुत ठंड है. पेयर नंबर 12 है, क्लॉथ एंड क्लॉथ्स. C-L-O-T-H, cloth means unsila, kapda. C-L-O-T-H-E-S, cloths, iska matlab hai libas ya sile huwe kapde. C-L-O-T-H, cloth ke liye sentence hai, Samina bought some cloth from the market. Samina ne market se kuch kapda kharida, cloths. Saira is wearing colorful cloths. Saira ne rang baranga लिबास पहना हुआ है या रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए हैं. पेयर नंबर 13 है, सेल, सेल. बोथ ऑफ दीज वर्ड्स आल्सो हैव सिमिलर प्रोनंसिएशन बट दे हैव डिफरेंट मीनिंग्स. सी ई डबल एल, सेल मीन्स कोठरी या जिसको आप खुलिया भी कहते हैं या हुजरा भी कहते हैं. एस ई डबल एल, सेल मीन्स बेचना. सी ई डबल एल, सेल के लिए सेंटेंस है, द प्रिजनर वॉज ब्रॉट आउट ऑफ द सेल. कैदी को कोठरी से बाहर लाया गया. एस ई डबल एल, सेल के लिए हमारे पास सेंटेंस है, दे सेल स्कूल बुक्स, वो स्कूल की किताबें बेचते हैं. पेयर नंबर 14 है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट. कंपेयर मींस मवाजना करना, कंट्रास्ट मींस उलट, तजाद या बरअक्स. सी ओ एम पी ए आर ई, कंपेयर के लिए हमारे पास सेंटेंस है, कैन ही कंपेयर हिमसेल्फ विद फैज. क्या वो अपना मवाजना फैज़ के साथ कर सकता है. कंट्रास्ट के लिए सेंटेंस है, देयर इज़ अ कंट्रास्ट, तजाद है, इन व्हाट ही सेज, जो वो कहता है, एंड व्हाट ही डज, जो वो
करता है, यानी उसके कहने और करने में तजाद है. डैट इज़ ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.